नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के फटाफट खबरों का। चीन के सैनयांग शहर के एक रेस्टोरेंट में गैस रिसाव से हुआ विस्फोट, जिसमें एक की गई जान और 33 लोग घायल हो गए हैं, जहां बचाव कार्य जारी है। भारत ने हासिल किया 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व का ही ये प्रतिफल है। चीन की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने चीन की ओर से तैयारियों को देखते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा के नज़दीक के पहाड़ों पर अत्याधुनिक L-70 विमान भेदी तोपों को तैनात की है और अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा पर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की सत्ता पर जबरन कब्जा जमाने वाले तालिबान की एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां तालिबान ने काबुल में अफगानिस्तान की जूनियर महिला वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी महजबीन हकीमी का सिर कलम कर दिया है और घर वालों को चुप रहने की धमकी दी है। उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे, जहां वे राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लेंगे। इसके बाद जौली ग्रांट एयरपोर्ट स्थित राज्य अतिथिगृह में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। देश में डेंगू ने बढ़ाई चिंता। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे कई राज्यों में आ रहे हैं प्रतिदिन दर्जनों मामले। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एजेंसी की जांच के लिए विभिन्न राज्य सरकारों की सामान्य सहमति वापस लिए जाने के कारण न सिर्फ जांच के लिए बल्कि मामलों के अभियोजन के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसराइल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूएई और अमेरिका के साथ संवाद स्थापित करते हुए एक आर्थिक फोरम के गठन पर सहमति बनाई। यह एक तरीके का इकोनॉमिक क्वाड ग्रुप की तरह ही है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के खिलाफ दायर याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया। सेबी ने यह याचिका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 4,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी जुटाने की योजना के संदर्भ में दायर की थी। कर्ज के संकट से जूझ रही दूर संचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सरकार को जानकारी दी है कि उसने स्पेक्ट्रम भुगतान पर 4 साल के मोरेटोरियम को मंजूर कर लिया है। बता दें कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से उन्हें दिए गए मोरेटोरियम विकल्प पर 29 अक्टूबर तक फैसला करने को कहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ पुलिस लाइन में शोक पैरेड की सलामी ली और शहीद हुए 4 पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष में आज शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया और पवित्र बौद्ध वृक्ष भी लगाए। दिल्ली के सभी अस्पतालों में देश में 100 करोड़ लोगों को टीका लगने के उपलक्ष में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं एम्स के जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम से ओपीडी तक ब्लॉक को सजाया गया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा अपनी पार्टी बनाने की घोषणा से कांग्रेस में खलबली मच गई है, जहाँ कैप्टन के इस कदम से कांग्रेस खासे परेशान है। हरियाणा के बारसा एम्स में पीएम मोदी के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए बादली चौक पर जुटे आंदोलनकारी, जिस कारण तनाव बना हुआ है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे कृषि कानून से जुड़ी मांगों को लेकर अडिग हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई बैठक में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी और निर्मोही अनी के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास को आम सहमति से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष व महामंत्री घोषित किया गया। झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति के सभापति सह गिरिडीह के जमुआ से विधायक केदार हजारा की अध्यक्षता में अनुकंपा पर नियुक्ति व लंबित पेंशन की समीक्षा की गई, जहां हजारा ने अनुकंपा से संबंधित आवेदनों व लंबित पेंशन मामलों को गंभीरता से निष्पादन करने को कहा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का से मिलने पहुंचे कांग्रेसी नेता लिफ्ट में फंस गए।
जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने किसी तरह लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर उन्हें कुदाकर बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के इंदौर सशस्त्र सीमा बल व सभी पुलिस बलों के वीर सैनिकों की याद में बीएसएफ परिसर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर पिछले एक वर्ष में जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको बीएसएफ के केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्या में सम्मानित किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज फतेहपुर दौरे पर हैं, जहां वे 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जम्मू में एनआईए ने कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी के 2 करीबियों के घरों समेत 11 जगहों पर छापेमारी कर तलाशी ली। छापे के दौरान एनआईए ने मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, बैंक पासबुक और कुछ आतंकी साहित्य तथा आपत्तिजनक सामान जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में सीबीआई ने हत्या के 2 और मामले दर्ज किए हैं, जिसके बाद हिंसा को लेकर दर्ज मामलों की संख्या 43 हो गई है। उड़ीसा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीर महांती ने कहा है कि आदिवासियों के हित के लिए मुंह खोलने पर राज्य सरकार बेइज्जत कर रही है, जो जनतंत्र में बिल्कुल ही स्वीकार योग्य नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुलिस स्मृति दिवस पर आज मुंबई में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो उसका वीडियो बनाकर उनके कार्यालय को भेज दें। सरकारी कार्यालयों में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार, लेट लतीफी व काम को टालने की प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टेलीफोन टैपिंग मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम। शुगर कंट्रोल करने के साथ ही मोटापा भी कंट्रोल करती है काली मिर्च। औषधि गुणों से भरपूर काली मिर्च एक ऐसा गरम मसाला है जो न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि कई बीमारियों का उपचार भी करती है। विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी के 4,135 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट देखें। बांग्लादेश T20 विश्व कप के ग्रुप बी लीग मैच में आज पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगा। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।